अगर आप समर वेकेशन में एक हिल स्टेशन पे अपनी छुट्टियां बिताने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूजन में हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 5 समर वेकेशन डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे, जहां आप अप्रैल से जून तक विजिट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला टॉप 5 समर वेकेशन डेस्टिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन को चेक करें, लिंक मिल जाएगा गाइज। एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी बकवासगिरी। लिस्ट में हम पहला नंबर पर रखे हैं शिमला को, जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी के साथ ही ब्रिटिश टाइम के समर कैपिटल भी हुआ करता था। ये अपने लाजवाब मौसम और टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है। शिमला का नियरेस्ट एयरपोर्ट चंडीगढ़ है, यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कालका है, जो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से शिमला 87 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टॉय ट्रेन लेकर भी शिमला जा सकते हैं। शिमला में आप जाखू टेम्पल, द रीज चर्च, एडवांस स्टडी सेंटर, ग्रीन वैली, कुफरी, संकट मोचन टेम्पल, रोपवे और भी बहुत सारे पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपका 2 से 3 दिन का टूर प्लान सफिशियंट होता है, और इसके लिए आपका 7 to 8,000 का खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं डलहौजी की, जो कि हिमाचल प्रदेश में बसा एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। चंडीगढ़ से 350 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से 560 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ आप बाई बस, बाई कैब इजली आ सकते हैं। यहाँ का सबसे खूबसूरत जगह है खजियार, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इसके अलावा सद्धारा वाटरफॉल, काला टॉप वाइल्ड लाइफ, चमेरा लेक, गंजी पहाड़ी, सच पास और भी बहुत सारी प्लेसेस है विजिट करने के लिए। यहाँ तो आपका 10 से 11 हजार का खर्च होने वाला है 3 से 4 दिन के ट्रिप में। गाइज अब बात करते हैं धनौल्टी की, जो कि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सुरकंडा देवी टेम्पल, इको पार्क, देवगढ़ फोर्ट और भी प्लेसेस है विजिट करने के लिए। यहाँ आपका 2 दिन काफी है घूमने के लिए, इसके लिए आपका 6 से 7 हजार का खर्च हो सकता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के एक अल्टीमेट ब्यूटीफुल जगह की, जो है नैनीताल। नैनीताल जाना हर इंडियन का एक चॉइस होता है गाइस। नैनीताल देहरादून से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए बस, टैक्सी, ट्रेन इजीली अवेलेबल हो जाता है। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो की 35 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनी लेक यहाँ का सबसे फेमस जगह है। यहाँ जाएं तो नैनी लेक में बोटिंग जरूर करें। माँ नैना देवी टेम्पल, केव गार्डन, स्नो पीक, टिफिन टॉप, मुक्तेश्वर टेम्पल, हनुमान गढ़ी टेम्पल, इसके अलावा भी काफी पॉइंट है विजिट करने के लिए। यहाँ आपका 2 से 3 दिन का टूर प्लान 5 से 6 हजार में इजिली हो जाएगा। अब बात करते हैं गंगटोक की, जो कि सिक्किम की कैपिटल सिटी है। गंगटोक आने के लिए आपको सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी से शेयर टैक्सी 350 में मिल जाएगा, और 5 से 6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। रास्ते का व्यू देखकर आपको मजा आ जाएगा गाइज। गंगटोक से आप नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम भी जा सकते हैं, जिसका अनुभव किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। गंगटोक में आपके लिए एमजी मार्ग, हनुमान टोक, गणेश टोक, रंका मोनेस्ट्री, रोपवे, इसके अलावा भी काफी प्लेसेस है विजिट करने के लिए। यहाँ आपका 3 से 4 दिन का ट्रिप 5 से 6 हजार में कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपने चैनल पर इंडिया का टॉप 5 प्लेसेस के बारे में एक और वीडियो अपलोड किया है, तो एक बार जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक कर देना भाई। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले। गाइज हम मिलते हैं नए ब्लॉग जो केदारनाथ के ऊपर आने वाला है, तब तक आप कोशिश कीजिए इनमें से कोई जगह विजिट करने का। बाय, टाटा, टेक केयर।